दोस्तों, अगर आपके पास है बोट ब्रांड के ईयरबड्स और आप परेशान हो गए कि आपके दोनों ईयरबड्स जो हैं वो फोन के साथ एक साथ पेयर नहीं होते हैं और जब आप म्यूजिक या वीडियो प्ले करें तो दोनों से एक साथ साउंड नहीं आता है, तो आपको वीडियो पूरा हेल्प करने वाला है। आज मैंने आपको उसका पूरा सोल्यूशन देने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। अब जो आपको मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ध्यान से पूरा देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप को हर एक को फॉलो करिएगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, इससे पहले भी मैं ऐसे वीडियोस डाल चुका हूँ और बहुत सारे व्यूअर्स करते क्या हैं, पूरे स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं और कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करते हैं कि यह सॉल्यूशन उनके केस में वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अगर आप यहाँ पे देखें दोनों ईयरबड्स यहाँ पे अलग अलग शो कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इन ईयरबड्स को फोन के साथ अनपेयर कर दें, जिसको मैं अभी जल्दी से कर देता हूँ। फोन के ब्लूटूथ को ऑफ कर दें, जो मैंने कर दिया है। अब अगला स्टेप ये होता है कि ये जो दोनों ईयरबड्स हैं, अगेन ये पेयर करने के लिए डिवाइस सर्च कर रहे हैं, तो आपको इन ईयरबड्स को फोन के साथ पेयर नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप दोनों ईयरबड्स लें और इनको लॉन्ग प्रेस करके रखें जब तक ये दोनों ईयरबड्स मैनुअली ऑफ ना हो जाए। तो अभी आप देखेंगे लाइट जल रही है, अगर आपके केस में ईयरबड्स में लाइट नहीं भी जल रही है तो भी ये ऑन होते हैं, तो आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। हो सकता है आपके केस में 5 सेकंड तक हो या 10 सेकंड हो या 8 सेकंड हो लॉन्ग प्रेस, तो मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा और मुझे एक साउंड सुनाई देगा। तो आपने देखा 3 बार रेड लाइट जली और ब्लिंक करके ऑफ हो गई, तो ये मैन्युअली ऑफ हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे दोनों ईयरबड्स को केस में डालना है। अब केस में डालने के बाद करना क्या है, केस की लीड को बंद करें और ईयरबड्स को फुल चार्ज कर लें। अगर ईयरबड्स फुल चार्ज नहीं है तो जो आगे के स्टेप्स हैं उनको फॉलो ना करें, पहले ईयरबड्स को फुल चार्ज कर लें। मैंने अपने केस में पहले ही ईयरबड को फुल चार्ज करके रखा था, जो आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे 100% बैटरी शो कर रहा था। और उसके बाद अगला स्टेप ये है, केस की लिड को ओपन करें और सबसे पहले राइट वाले ईयरबड को बाहर निकालें। आपको लेफ्ट वाले को बाहर नहीं निकालना है, आपको सबसे पहले राइट वाले ईयरबड को बाहर निकालना है और फोन का ब्लूटूथ जो है वो ऑफ ही रहना चाहिए। आप देखेंगे अभी फोन का ब्लूटूथ यहाँ पे ऑफ ही है। उसके बाद लेफ्ट वाले ईयरबड को बाहर निकालें और 3 सेकंड बाद दोनों ईयरबड्स को जब आपने निकाल लिया है तब जाके फोन का ब्लूटूथ ऑन करें। अब अगर आप फोन का ब्लूटूथ ऑन करेंगे और यहाँ पे स्कैन करेंगे तो यहाँ पे अभी दिखा रहा है एयरड्रॉप्स फ्यूल, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये जो मॉडल है वो एयरड्रॉप्स फ्यूल वाला है, और इसको मैं पेयर करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे वो सिंगल शो कर रहा है। मैं एक बार आपको म्यूजिक पे लेकर के टेस्ट करा देता हूँ कि एक बारी में अभी कनेक्टेड है तो ये लेफ्ट राइट नहीं है, दोनों के दोनों कनेक्ट हो चुके हैं और दोनों से साउंड आ रहा है। तो आपको म्यूजिक प्ले करके दिखाता हूँ। तो मैंने म्यूजिक ऑन कर दिया है और इस माइक्रोफोन को यहाँ पे ले जाता हूँ और अब इस वाले ईयरबड के पास ले जाता हूँ, तो आप सुन पा रहे होंगे कि दोनों ईयरबड से एक साथ साउंड आ रहा है। तो आपको इन स्टेप को ध्यान से फॉलो करना है और ये प्रॉब्लम इसलिए आती है जब भी आप कैसे ईयरबड्स को बाहर निकालते हैं, आप अगर ईयरबड्स को आपस में पेयर नहीं होने देंगे तो आपके केस में अगेन लेफ्ट राइट की प्रॉब्लम आएगी और दोनों ईयरबड्स अलग अलग पेयर होंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।